नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रगति कंप्यूटर्स के एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल शीट में एक किसी कंपनी का सैलरी स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उस चीज़ का हम देखेंगे बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक्स। और मैं फिर से बता दूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ है ये मैं बिल्कुल अपने बेसिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो एक्सेल सीख रहे हैं उन लोग के लिए। तो आपको भी ये रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज को डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। देखिए इसमें हमने मैंने किस तरह से आपको फॉर्मूला के अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करना सिखाया है, एक्सेल के अंदर सैलरी स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है, किसी एक छोटी सी कंपनी के लिए या बड़ी कंपनी के लिए किस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम में हम सैलरी बना सकते हैं, उसका यहाँ पे आपको एक विवरण दिया है। तो आइए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं किस तरह से हम सैलरी स्टेटमेंट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, ये एक ABCD ट्रेडिंग कंपनी की एक हमने लिया है, आप यहाँ अपना कंपनी का नाम लिख सकते हैं, उस कंपनी का सैलरी स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें कुल मिला के 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उस 10 एम्प्लॉय के हिसाब से उनके सैलरी में क्या क्या उनको अप्लीकेबल होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, HRA, TA, DA, आप अपने कंपनी के हिसाब से इसमें जो चीज़ दिखाएंगे वो चीज़ अप्लीकेबल कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको सिखाया मैं समझता हूँ उस हिसाब से आप इतना स्टेटमेंट तो तैयार कर ही सकते हैं। तो इसे आगे बढ़ते हुए अभी हम देखेंगे किस तरह से इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें फॉर्मूले डालेंगे। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें दिखाने के लिए कि ये जो कॉलम दिख रहे हैं, कॉलम में डेटा विजिबल नहीं है पूरा, यहाँ पे डेटा विजिबल नहीं है, तो किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाएगा वो देखते हैं, ताकि इसको फाइनली जब हम प्रिंट करें तो ये A4 कागज़ में अच्छी तरह से प्रिंट आउट आए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसमें कॉलम सेटिंग्स कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम पूरे को पूरे इस रो को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम इसको अलाइन कर पाए वर्टिकली मिडिल, और कर पाए रैप टेक्स्ट ताकि ये एडजस्ट हो जाए, और फिर जो जो कॉलम छोटे करने हैं हम उन कॉलम को वहाँ ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ से जैसे आपको पहले बताया फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ मैन्युअली स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। 8 की जगह पर यहाँ कुछ 14 कर दिया तो ये एम्प्लॉय के नाम आप देखेंगे यहाँ खुल गई, मैंने एम्प्लॉय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा है, आप अपने हिसाब से वहाँ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉलम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये जो चीज़ है हम इसको एडजस्ट करेंगे, अगर इसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो डेटा हाइड हो जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट होगा। अब ये यहाँ पे डेजिग्नेशन पूरा हाइड हो रहा है तो हम इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे, एंड हम कोशिश करेंगे कि डेटा जो है सारा का सारा डेटा वर्टिकली मिडल में आए, तो वर्टिकली सारा सिलेक्ट करके यहाँ से मिडल सिलेक्ट कर लेंगे तो सारा अलाइनमेंट मिडल हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, अभी ये मेन चीज़ देखनी है हमें, यहाँ पे ये बेसिक सैलरी हमने डाल दी है। दोस्तों मैं चाहता हूँ मैं कितना भी नीचे चला जाऊँ तो ये जो ऊपर दो रोज हैं ये तीन रोज हमेशा डिस्प्ले होती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्क्रीन को ये एडजस्ट कर देते हैं कि हमारा पहला रो ये हो, और यहाँ पे मुझे कुछ कॉलम हमेशा डिस्प्ले होने चाहिए ये डेजिग्नेशन या नाम तक, तो कर्सर को यहाँ रख देते हैं दोस्तों। राइट, इसके बाद में हमको क्या करना होगा दोस्तों, हमको यहाँ पे जाके यहाँ हमें चाहिए इसको फ्रीज करना है। सो हमको फ्रीज करने के लिए फ्रीज पेंस ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास दोस्तों। देखिए दोस्तों व्यू में ये फ्रीज पेंस है, फ्रीज पेंस को जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए रो और ये ऐसे कॉलम्स, देखिए आप कितना भी नीचे चले जाइए अब यहाँ ये ऊपर के तीन रो हमेशा डिस्प्ले रहेंगे, और कितना भी आगे चले जाइए इस तरफ राइट साइड में ये पीछे के तीन कॉलम यहाँ डिस्प्ले रहेंगे। इस तरह से हम कॉलम्स को और रोज को फ्रीज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ फ्रीज कर दिया है, हम अनफ्रीज भी कर पाएंगे, वापस यहीं से अनफ्रीज हो जाएगा। तो पहले हमने फ्रीज किया है क्योंकि हम आगे बढ़ें कितना भी तो हमारे नेम एम्प्लॉय की हाइड नहीं होनी चाहिए, ऊपर के कॉलम के नेम छुपने नहीं चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बेसिक सैलरी में हमने देखो 36,000 यहाँ जैसे मैंने एम्प्लॉय वन की सैलरी दिखाई है, इधर परसेंटेज लिखा है 30% सैलरी DA बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला लिख जाएगी जो वैल्यू 36,000 यहाँ उसको मल्टीप्लाई कर दिया 30% से और एंटर दबा दिया तो ये वैल्यू अपने आप आ गई। ऐसे ही 20% है तो इसको यहाँ से इक्वल टू करके दिस इंटू दिस कर दिया दोस्तों, ये अपने आप कैलकुलेशन आ जाएगी। देखिए जैसे आपने दिस इंटू दिस 15% एंड दिस इंटू G8 इंटू K7 इसी तरह से G8 इंटू 5%। अब PF में क्या होता है दोस्तों, PF का रूल जो होता है अपने अपने PF के रूल के लिए डायरेक्टली हम बेसिक सैलरी के नहीं ले सकते, इसमें बेसिक प्लस DA दोनों को ऐड करना पड़ता है।
तो बेसिक प्लस डी अगर किया तो आप देखेंगे दोस्तों ये हुआ 46,800। अब इस पर 12% यानी इंटू किया तो ये कुछ गड़बड़ कर देगा, यहाँ 37,000 इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। तो क्या करता है, पहले ये मल्टीप्लाई करता है फिर इसको ऐड करता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों का सम पहले होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये ब्रैकेट्स लगा के ताकि ये एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, ये सम हो जाएगा फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये आ गया, देखिए अब ग्रॉस सैलरी में यहाँ क्या होना चाहिए, ये 8 से लेके 13 तक का सम, तो सम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं दोस्तों, सिलेक्ट करके आप यहाँ से डायरेक्टली सम कर सकते हैं, ये ऑटो सम आ गया। देखिए दोस्तों ये सम आ गया, यहाँ 34,000 नहीं यहाँ से आना चाहिए दोस्तों, मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गई, डिलीट कर देते हैं, दोबारा करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये ऑटो सम करेंगे, देखिए 70,000 आ गया। अब पीएफ डिडक्शन में वापस यही अमाउंट लाना है तो इज इक्वल टू दिस, यहाँ कर दिया दिस इज व्हाट, एंड टैक्स में 10% हमको यहाँ गिनना है, 10% ये लिख देंगे, तो जो ग्रॉस सैलरी है उसका सीधा सीधा 10% हम यहाँ लिंक दे सकते हैं। अब नेट पे देखिए दोस्तों यहाँ 0.6 में आंसर आ रहा है, तो 0.6 तो हम दे नहीं सकते यहाँ, फिर इसको राउंड करेंगे, तो इसके लिए हम राउंड फंक्शन का यूज़ करेंगे दोस्तों, इसलिए F2 राउंड का काम होता है कि नियरेस्ट डिजिट पे उसको राउंड कर देना, अगर इसमें 0.5 होगा तो 0.5 या उससे ज़्यादा होता है उसको ये अपर साइड मिल लेता है, देखिए 7041.6 था तो ये 7042 हो गया, सीधा अपर साइड में चला जाएगा। आइए देखते हैं फिर नेट पे में क्या करना है, नेट पे में दोस्तों हमको ग्रॉस पे में माइनस पीएफ माइनस ये करना है, इस तरह से ये नेट पे भी आ गया और साइन का कॉलम आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही ये सारी चीज़ें हम सब में रिपीट करेंगे, मैं अभी एक मिनट में इस सब में कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने सब में डेटा डाल दिया, फॉर्मूला डाल के सब में फॉर्मूला डाल दिया, ये आप देख सकते हैं राइट। अब इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, अगर मैंने यहाँ HRA% यहाँ हमें 5% HRA इंक्रीज करना है तो हम सीधा यहाँ 25 कर देंगे तो सारा डेटा देखिए जहाँ जहाँ लिंक है अपने आप चेंज हो जाता है, अगर हमें रिड्यूस करना है 15% करना है तो सब एक एक एम्प्लॉय का उस हिसाब से डेटा चेंज हो जाता है दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला करने के बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग भी देखेंगे थोड़ी, तो ये फॉर्मेटिंग के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ हम ऑल ऑर्डर का ऑप्शन ऑलरेडी जान चुके हैं और साथ में हम यहाँ कलर फिल करते हैं, एक कोई कलर जैसे प्रेजेंटेबल हो लाइट कलर रखते हैं ताकि प्रिंटिंग में भी सीक लगे। अब इसके साथ में हम यहाँ से सेट करेंगे इनकी अलाइनमेंट, सिलेक्ट करेंगे इसको, करेंगे सेंटर दोस्तों, फिर इसके बाद में यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये सारी वैल्यूज़ और इन सबको दे देंगे 2 decimal वैल्यूज़ ताकि ये ठीक तरह से डिस्प्ले हो, और दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे सारा डेटा और कर देंगे सबको ऑल बॉर्डर्स। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये प्रिंट प्रीव्यू में कैसे दिखेगा, प्रिंट प्रीव्यू में जब हम देखते हैं तो ये देखिए A4 के थोड़ा पेज से बाहर जा रहा है, कुछ 4 columns बाहर जा रहे हैं और कुछ रोज बाहर जा रहे हैं दोस्तों, तो ये हमको सेट करने हैं, एक ही पेज में आए हमको ज़्यादा मेहनत, एक पेज में आए पेज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रो की इसके रो की हाइट को कम करेंगे, तो रो की हाइट यहाँ से हम कम कर सकते हैं, ऐसे कम किए ये थोड़ा रो कम हुआ दोस्तों, और देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे पास से गए, जैसे जेंडर में हम यहाँ शॉर्ट में कर सकते हैं GENDER, और यहाँ मेल और फीमेल की जगह हम MRF भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं दोस्तों। बेसिक सैलरी देखेंगे इसमें कितनी जगह चाहिए, थोड़ा सा हम इसको कम कर सकते हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल है, ये 8.43 है तो हम इसको 7.85 करके देखते हैं दोस्तों। रिपीटेशन ऑफ लास्ट कमांड के लिए F4 की होता है, हम सेलेक्ट करके F4 दबाएंगे तो सारे उतने ही हो जाएगी, लेट अस सी फिर से एक बार फिर देखें, तो अभी हमारे 3 columns अभी भी बाहर जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले हमारा मार्जिन्स को कम करने की कोशिश करेंगे, मार्जिन नैरो करके देखते हैं तो क्या होता है, अभी भी 2 columns हमारे बाहर है दोस्तों, देखते हैं क्या कर सकते हैं और कहाँ पे स्कोप है। यहाँ से हम एम्प्लॉय के नेम्स को देखते हैं, यहाँ अगर पॉसिबल है ये रो की हाइट सीनियर सुपरवाइजर का कंटेंट हम छोटा कर देते हैं, SUP कर देते हैं सीनियर सुपरवाइजर शॉर्ट में ऊपर वाला नाम नीचे, तो रो कम से कम हमारे जो है ये आ जाएंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए सेल्स EXEC लिख देते हैं, एंड लेट अस सी यहाँ अभी अभी हमारे कॉलम एडजस्ट करने, रो एडजस्ट हो गए तो कॉलम एडजस्ट करने दोस्तों, कॉलम को एडजस्ट करने के लिए फिर से हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, अभी ये ग्रॉस सैलरी का हम सिलेक्ट करके इसको बोल्ड करेंगे
और नेट पे का सिलेक्ट करके होल्ड करेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं। अगर नहीं होते तो मैं आपको बताऊंगा, दूसरे तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। हम इनको ऑटो फिट करेंगे, तो हमें ऑटो फिट होता है, तो ये ऑटो फिट आप एक एक करके भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं कॉलम ऑटो फिट। अब एक साइन के लिए बाहर जा रहा है दोस्तों, सिग्नेचर का कॉलम को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। अब देखते हैं जी, देखेंगे अभी यहाँ सीरियल नंबर, हम यहाँ मार्जिन से एक्टिवेट कर देते हैं, यहीं से भी कम कर सकते हैं। देखिए ये मार्जिन, अब देखें दोस्तों सब पूरा डेटा एक फाइल में आ गया, एक ही पेज में आ गया। अब जो है यहाँ से हमको ये देखना है कि टोटल ओवरऑल टोटल नेट पे कितना दिया जाता है कंपनी का, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे ये सम का फॉर्मूला, ऑटो सम लगाएंगे। तो ये देखिए ऑटो सम में अब ये वैल्यू काफ़ी साइज बड़ी है, तो हम साइज छोटी कर देते हैं। और एक बार हमारे पास सेटिंग है दोस्तों, हम यहाँ फॉर्मेट सेल्स के लिए हम कंट्रोल वन बटन दबाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल वन, जिसमें नंबर फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल प्रोटेक्शन सारे टैब्स हैं। हमको क्या करना है, हमको अलाइनमेंट में जाके यहाँ श्रिंक टू फिट करना है, ये ऑटोमेटिकली इस सेल में एडजस्ट हो जाएगा। अब चाहे बड़ा कॉलम कर देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, अगर हम चाहे जितना छोटा करेंगे ये उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। अब इसको आप कॉपी कर सकते हैं दोस्तों, ये चाहो तो आप सब ने कॉपी कर सकते हैं, कॉपी किया। इसके बाद में आप इसको बॉर्डर दे देंगे दोस्तों, ये बॉर्डर दे दिया। अब देखते हैं यहाँ लिख देते हैं टोटल, और इसके फॉन्ट्स को हम कर देते हैं बोल्ड और फॉन्ट कर देते हैं छोटा, ये हो गया, राइट। अब हम करेंगे इसको मिडल लाइन, सेंट्रल लाइन, ये हो गए हमारा, ये कलर दे दिया हमने, यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे दिया। अब एक बार ब्लू देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए प्रिंट के लिए तैयार है। अब हम फ्रीज पेंट किए थे, जो हम उसको अनफ्रीज करेंगे, राइट, ताकि हम ऊपर जो सिलेक्ट किए थे हम उसको मर्ज एंड सेंटर कर पाएं। ये कर दिया मर्ज एंड सेंटर, ये भी कर दिया मर्ज एंड सेंटर, और जो एक्स्ट्रा रो है इसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों, डिलीट एंटायर रो, और नीचे वाला भी रो डिलीट कर देते हैं दोस्तों, टैरो डिलीट कर दिया। और कंपनी के ये आ गए, इस हिसाब से देखें तो हमारे पास नीचे जगह पड़ी है। हम क्या करेंगे, सब की रो एक जितनी रखेंगे हाइट, तो हम देखेंगे इस रो की हाइट कितनी है दोस्तों, फॉर्मेट में रो हाइट दिया है 30, को हम करते हैं 32, और रिपीटेशन ऑफ कमांड F4 चेक करेंगे तो क्या पूरा एक पेज में आ गया। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन से लग रहा है, इस तरह से आप देखें ये कर सकते हैं, और ये प्रिंट रेडी है, आप सीधा प्रिंट कमांड दे सकते हैं, रेडी है। तो दोस्तों अभी हमने देखा किस तरह से कि हम एक फुली ऑटोमेटिक सैलरी शीट बना सकते हैं किसी कंपनी का। मैं चाहूँगा आप इसकी प्रैक्टिस करें, और आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।